हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो आज हम देखेंगे कि इस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और इसका आप लोगों के लिए क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अब पॉलिसी फॉलो करने की बात कही गई है, ये बेस्ड है होलिस्टिक अप्रोच पे। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है एक ऐसी अप्रोच जिसमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि खूब सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा। यानी अब बच्चे के सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके और एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनका इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल कनेक्टिविटी और बाकी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो बच्चों का असेसमेंट होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट होगा। यानी बच्चों को सिर्फ उनके एग्जाम में आए मार्क्स के बेसिस पे प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको और चीजों के बेसिस पे भी प्रमोट किया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जो बच्चों की और क्वालिटीज हैं वो निखर के सामने आएंगी। दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो इस पॉलिसी में हुआ है वो हुआ है इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। अब तक जो हमारे यहाँ स्कूल्स में फॉर्मेट यूज होता आया है वो 10+2 का फॉर्मेट यूज होता है, लेकिन अब आगे चल के ये फॉर्मेट हटने वाला है। इसके जगह नया फॉर्मेट यूज किया जाएगा जो कि 5+3+3+4 का फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो पहले जो फॉर्मेट था वो 10+2 का फॉर्मेट था, जो कि दो कैटेगरी में कैटेगराइज था, जिसमें जो पहली कैटेगरी थी वो 10 साल के लिए थी, जिसमें फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक के बच्चे इंक्लूडेड थे, और जो बच्चों की एज होती थी इस ग्रुप में वो 6 से 16 साल होती थी। ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप होता था उसमें 11-12 के बच्चे इंक्लूडेड थे, जिसमें बच्चों की एज होती थी 16 से 18। लेकिन अब इसको चेंज करके इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें पहली जो कैटेगरी है उसको फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया है, और ये जो फाउंडेशन स्टेज है वो भी फर्दर 2 सब स्टेजेस में सब डिवाइडेड है। तो जो इसमें पहला सब स्टेज है वो 3 साल के लिए होने वाला है, जिसमें कि प्री स्कूलिंग और आंगनबाड़ी के बच्चे इंक्लूडेड होंगे, जिनकी एज 3 से 6 साल के बीच में होगी। ठीक, दूसरा जो इसमें सब स्टेज है वो 2 साल के लिए होने वाला है, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड के बच्चे इंक्लूडेड होंगे। तो इस पूरी स्टेज में जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो प्लेफुल एक्टिविटीज और फन एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाया जाएगा, ताकि उनपे किताबों का बोझ ना हो। ठीक है, तो इस फाउंडेशन स्टेज का जो मेन एम है वो बच्चों को स्कूलिंग के लिए तैयार करना है, ताकि बच्चे स्कूल जाने से पहले अच्छे से तैयार हो सकें, बेसिक चीजों के ऊपर उनको चीजें पता हो। और एक और नजरिए से देखें तो ये बहुत ही बेहतर कदम इसलिए भी है क्योंकि जो हमारी 70-80% मेंटल ग्रोथ होती है वो 6 साल की उम्र से पहले होती है, तो इसलिए इस टाइम पे बच्चों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि अब गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किए। दूसरा जो इसमें स्टेज है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, जो कि 3 साल के लिए होने वाली है, और इसमें भी क्लास 3rd से 5th तक के बच्चे इंक्लूडेड होंगे, जो कि 8 से 11 साल की उम्र के होंगे। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चों को उनके मेन सब्जेक्ट्स के बेसिक से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंसेज और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद जो स्टेज होगी वो मिडिल स्टेज होगी, जो कि फिर से 3 साल के लिए होने वाली है, और इसमें क्लास 6 से 8 तक के बच्चे इंक्लूडेड होंगे, जो कि 11 से 14 साल की एज कैटेगरी में होंगे। ठीक है, तो इसमें जो कैरिकुलम फॉलो होगा वो नॉर्मली जो अभी फॉलो होता है वही फॉलो होने वाला है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे, ताकि उसको स्किल बेस्ड थोड़ा ज्यादा बनाया जाए। तो उसके बाद जो इन्होंने लास्ट स्टेज इसमें मेंशन किया है वो है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9-12 के बच्चे इंक्लूडेड हैं, और जो 14 से 18 के एज ग्रुप में होंगे। तो इसमें भी कैरिकुलम में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे, ताकि जो अब नया कैरिकुलम हो वो स्किल पे बेस्ड हो, एनालिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड हो और क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड हो। उसके बाद जो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा चेंज किया है वो ये कि अब क्लास 5th तक इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है, यानी अब क्लास 5th तक इंग्लिश में पढ़ाना जरूरी नहीं है बच्चों को। तो अब क्लास 5th तक बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, या फिर उनके नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो जहां पे पॉसिबल होगा वहां पे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, वरना जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी में ही वहां पे चीजें पढ़ाई जाएंगी। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज उन्होंने इसमें इंक्लूड करने की बात कही है वो है मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम। ठीक है, तो अब तक क्या होता था, बच्चे 10 के बाद कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ही चूज कर पाते थे, या तो वो साइंस चूज करते थे या कॉमर्स या आर्ट्स। लेकिन अब क्या होगा, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब बच्चे अगर साइंस के साथ आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो उसको चूज कर सकते हैं, या फिर वो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो उसको भी चूज कर सकते हैं। तो आप बच्चे एक साथ अलग अलग डिसिप्लिन के खूब सारे सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। साथ में इन्होंने स्कूल एजुकेशन में जो एक और अच्छी चीज इंक्लूड करी है वो है वोकेशनल एजुकेशन, जो कि अब बच्चे क्लास 6 ऑनवर्ड ले पाएंगे। यानी अगर बच्चे को कोडिंग सीखनी है या पॉटरी सीखनी है या फिर कारपेंट्री सीखनी है तो वो इन चीजों को भी सीख पाएगा, ये सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी स्कूल में ही।
उसके बाद इन्होंने हायर स्टडीज के लिए मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करने की बात कही है। तो पहले क्या होता था कि अगर आपने आधे में ही कॉलेज ड्रॉप कर दिया है तो आपको उसके लिए डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप एक साल का कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हो तो उसके लिए आपको एक साल का सर्टिफिकेशन मिलेगा, आप उसको दो साल के लिए कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर जितने भी साल का वो कोर्स है आप उसको कंप्लीट करते हो तब आपको डिग्री मिलेगी। साथ में इन्होंने इसमें एक और चीज इंक्लूड करी है कि अगर आप बीच में किसी कोर्स को छोड़ के चले जाते हैं और आप इसको वापस से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको फिर से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया है जिसमें कि आपके जो पुराने स्कोर्स होंगे वो सेव्ड रहेंगे, यानी जहां तक आपने पढ़ाई करके छोड़ दी थी वहां तक के आपके स्कोर्स इसमें सेव्ड रहेंगे, और जब आप उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे तो वो मार्क्स आपके फर्दर जो ईयर के मार्क्स होंगे उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। साथ में इस पॉलिसी में नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने की बात कही गई है जिसका नाम होगा परख, जिसकी फुल फॉर्म होगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जहां बच्चों के लिए पॉलिसीज तैयार की जाएंगी, डायरेक्शंस तैयार किए जाएंगे कि किस टाइप से बच्चों के लिए चीजें की जाएं ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, और साथ में ये पॉलिसीज स्कूल में ढंग से इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं उसके लिए भी एक टीम बनाई जाएगी जो टाइम टू टाइम स्कूल्स में ऑडिट भी करेगी। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे चेंजेस किए गए हैं। तो अब एजुकेशन सिस्टम को स्किल बेस्ड बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो जितने जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उतना ही आने वाली जनरेशन का फायदा होने वाला है। तो आई होप कि ये जो पॉलिसी है वो जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।